Now, in this lecture, we will talk of finding functions which are defined as integral expression. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब हम उस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हमें कोई फंक्शन निकालना है और वो फंक्शन में एक रिलेशन दे रखा है विच इज इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल. मतलब वो फंक्शन इंटीग्रेशन के फॉर्म में एक कोई एक्सप्रेशन दिया और उसको हमें सिंप्लीफाई करना है और वो फंक्शन फाइंड आउट करना है. तो वील टेक एग्जाम्पल्स एंड देन अंडरस्टैंड. इसमें कुछ थ्योरी नहीं है, ये ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जो हम डील करेंगे. तो लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं. वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 to π/2 साइन एक्स प्लस वाई एफ वाई डी. तो अब हमें इसमें एफ एक्स फंक्शन निकालना है. अब प्रॉब्लम ये है कि एफ एक्स फंक्शन हमारा जो है, यहां देखिए इंटीग्रल के अंदर भी आ रहा है. तो मतलब जो एफ एक्स है वो कैसे डिफाइन किया गया? एक इंटीग्रल एक्सप्रेशन के फॉर्म में डिफाइन किया गया. जब तक हम ये इंटीग्रल नहीं सॉल्व करेंगे हमें एफ एक्स मिलेगा नहीं. और इस इंटीग्रल में क्या हो रहा है? फंक्शन एफ भी इन्वॉल्व हो रहा है. तो इस टाइप के क्वेश्चन अब हम डील करेंगे जिसमें हमें किसी फंक्शन को निकालना है और जो फंक्शन दिया वो एक इंटीग्रल एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया है. ठीक है, तो काफी हद तक इसका प्रोसेस मतलब कांस्टेंट रहता है, ज्यादा चेंज नहीं है. फॉर एग्जांपल पहली चीज तो हम ये आइडेंटिफाई करें कि जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो किसके रिस्पेक्ट में. हमारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल वाई है, यानी एक्स हमारे लिए क्या है? कांस्टेंट है इसमें. तो स्टेप वन क्या होगा कि हम एक्स को अलग करें. कैसे? 0 to π/2 साइन एक्स प्लस वाई. यहाँ भी एक्स इन्वॉल्व हो रहा है तो इसको पहले एक्सपैंड कर लिया. साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई इंटू एफ वाई डी वाई. अब हमने क्या किया? एक्स प्लस ये जो पहला वाला पार्ट है इसमें साइन एक्स बाहर फ्रॉम 0 to π/2 एफ वाई कॉस वाई डी वाई अलग कर लिया. प्लस यहाँ पे कॉस एक्स बाहर कर दिया. कॉस एक्स फ्रॉम 0 to π/2 साइन वाई एफ वाई डी वाई. ये पहला स्टेज कि जब भी हमको इंटीग्रल दिया है उसमें जो हमारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है उसको छोड़ के बाकी को हम अपने इंटीग्रेशन के बाहर करें. दिस इज स्टेप वन. स्टेप टू क्या होगा कि जब हम ये इंटीग्रल, लेट्स से इफ वी टॉक ऑफ दिस इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल, ये दोनों जब इंटीग्रल हम इवेल्युएट करेंगे तो क्योंकि हमारी लिमिट्स क्या है? लिमिट्स तो हमारी कांस्टेंट है 0 to π/2. तो जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसमें जब हम ये लिमिट्स रखेंगे तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी. मतलब इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और इसकी भी कांस्टेंट वैल्यू होगी. y के टर्म्स में पूरा इंटीग्रेशन आएगा और उसमें जब हम अपनी लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी. तो हमने इन कांस्टेंट वैल्यूज को लेट से मान लिया a और इसको मान लिया b. तो अब हमारा फंक्शन क्या हो गया? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स. तो बेसिकली अगर हमको ए और बी मिल जाए तो हमारा फंक्शन आ गया. अगर हमें ए एंड बी समहाउ अगर हम निकाल लें तो हमें एफ एक्स जो हमें फंक्शन चाहिए था वो हमारा आ जाएगा. ठीक है, तो ए और बी बस अब हमें निकालना है. वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं. तो हमारा ए क्या फंक्शन था? ए वॉज 0 to π/2 एफ वाई कॉस वाई डी वाई. लेकिन जो एफ वाई है, एफ वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? फंक्शन जो एफ एक्स हमने माना है उसमें एक्स की जगह वाई कर दें तो एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई प्लस ए साइन वाई प्लस बी कॉस वाई. क्योंकि जो फंक्शन का फॉर्म है वो तो हमें मिल चुका है. एफ एक्स की वैल्यू क्या मिली है? एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का फॉर्म है. तो एफ वाई की वैल्यू क्या होगी? एक्स की जगह वाई रख दें. वो वैल्यू हमने इस इंटीग्रेशन के अंदर रख दी. ये क्या हो गया? वाई प्लस ए साइन वाई प्लस बी कॉस वाई इंटू कॉस वाई. मतलब बेसिकली हमने अपने फंक्शन को हटा लिया पूरा. फंक्शन का एक फॉर्म हमें मिल गया और वो फंक्शन का फॉर्म हमने वहां वहां रखा जहां हमारा फंक्शन इंटीग्रल के अंदर मौजूद है. ठीक है, तो अब इसको हमें बस क्या करना है? अब ये तो हमारा पूरा वाई के टर्म्स में इंटीग्रल आ गया तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है. ए और बी हमारे लिए कॉन्स्टेंट है. तो ए 0 to π/2 वाई कॉस वाई अलग कर लिया.
प्लस ए बाहर 0 टू पाई बाय 2 साइन वाई कॉस वाई विच इज वेरी इजी टू इंटीग्रेट, और प्लस बी 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। अब ये इंडिविजुअली हम इंटीग्रेट कर ले, अब यहां तो क्या लग जाएगा, यहां तो बाय पार्ट्स लग जाएगा, यहां हम क्या कर दें 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, और यहां क्या कर दें डबल एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लें। तो यहां पे जब हम बाय पार्ट्स लगाएंगे तो y को फर्स्ट फंक्शन और cos y को सेकंड फंक्शन लेंगे, तो y बाहर cos y का इंटीग्रल sin y माइनस y का डिफरेंशिएशन 1 और cos y का इंटीग्रल sin y dy प्लस a स्क्वायर बाय 2, ये चीज क्या हो गई sin 2y, तो साइन 2y का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस 2y बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर y की जगह हम क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2y बाय 2, तो 2 बाहर आ गया d बाय 2, 1 का इंटीग्रल क्या होगा y और कॉस 2y का क्या होगा साइन 2y बाय 2। तो बेसिकली हमने तीनों पार्ट्स कर लिए, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, y साइन y साइन वाई का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस वाई यानी प्लस कॉस वाई प्लस ए बाय 4 एंड माइनस हम यहां लगा लें दिस वुड बी कॉस 2y, यहां भी हम लिमिट्स लगा दें 0 टू पाई बाय 2, यहां भी 0 टू पाई बाय 2 एंड दिस वुड बी b बाय 2 y प्लस साइन 2y बाय 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। ठीक, तो बस ये अगर हम वैल्यू निकाल लें तो इससे a की वैल्यू हमारी आ जाएगी, दिस इज a, दिस इज a, तो जब हम 0 से पाई बाय 2 रखेंगे तो पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 1 होता है, कॉस पाई बाय 2 0 होता है, माइनस 0 रखेंगे तो 0 और कॉस 0 1 होता है, माइनस a बाय 4 y की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो कॉस पाई, कॉस पाई क्या होता है माइनस 1, और जब 0 रखेंगे तो कॉस 0 इज 1 तो माइनस 1 प्लस b बाय 2, और ये क्या आएगा पाई बाय 2 रखने पे पाई बाय 2 प्लस साइन 2 पाई में पाई बाय 2 रखेंगे तो साइन पाई विच इज 0, और 0 रखने पे क्या होगा दोनों ही एक्सप्रेशन 0 आएंगे। तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या आई पाई बाय 2 माइनस 1, ये हो गया माइनस 2, माइनस 2 और ये हो गया प्लस का a बाय 2 एंड ये हो गया b बाय, दिस वुड बी b पाई बाय 4। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो a को लेफ्ट साइड ले गए तो a बाय 2 माइनस b बाय 4 पाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करें एलसीएम ले लें जरा, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस b पाई इज इक्वल टू 4, राइट साइड गया तो कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 4, तो दिस बिकम्स अवर फर्स्ट इक्वेशन a और b में। सिमिलरली जब हम b को सॉल्व करेंगे तो b हमारा क्या था, ठीक है, तो b हमारा क्या था y प्लस रादर 0 टू पाई बाय 2 साइन y एफ वाई, b वॉज 0 से पाई बाय 2 साइन y एफ वाई, सेम प्रोसेस एफ वाई की जगह क्या लिखेंगे 0 से पाई बाय 2 साइन y, और एफ वाई की जगह क्या लिख देंगे एफ एक्स का फॉर्म क्या था x प्लस a साइन x प्लस b cos x, तो दिस इज y प्लस a साइन y प्लस b cos y डी वाई। इसको भी हम स्प्लिट कर देंगे 0 से पाई बाय 2 y साइन y, ठीक है, डी वाई प्लस a बाहर साइन स्क्वायर y डी वाई फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 प्लस b
दिस इज 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2, और ये हो गया 0 से पाई बाय 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई। ठीक है, सेम प्रोसेस यहां पे क्या लगा देंगे, बाय पार्ट्स, ये यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यहां भी हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो बी वुड बी, बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो y बाहर साइन y का इंटीग्रल माइनस कॉस y माइनस y का डिफरेंशिएशन 1 और उसका हो गया माइनस कॉस y dy प्लस a स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर y की जगह क्या लिख दें 1 माइनस कॉस 2y, तो 1 का हो गया y और कॉस 2y का हो गया साइन 2y बाय 2 एंड प्लस b बाय 2, ये क्या हो गया साइन 2y, साइन 2y का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस 2y। ठीक है, नाउ बस अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को जरा और सॉल्व कर दें, तो माइनस वाई कॉस वाई एंड दिस वुड बी प्लस, तो कॉस वाई का क्या हो जाएगा साइन वाई प्लस ए बाय टू, यहां पे हम लिमिट्स लगा दें 0 से पाई बाय 2 एंड दिस वुड बी वाई माइनस साइन 2y बाय 2 फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 एंड दिस वुड बी माइनस बी बाय 2 कॉस 2y फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। बस लिमिट्स अब हमें इवेल्युएट करनी है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, जब पाई बाय 2 रखेंगे तो कॉस पाई बाय 2 तो 0 एंड यहां पे साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा, माइनस 0 रखने पे 0 और वो भी 0, ठीक है ये तो 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस a बाय 2 पाई बाय 2 y की जगह पाई बाय 2 और साइन पाई क्या हो जाएगा 0 एंड सेकेंड ब्रैकेट में y को 0 रखा तो भी 0 और साइन 0 तो भी 0, तो ये 0 हो गया, माइनस b बाय 2। नाउ 2y में पाई बाय 2 रखेंगे y की जगह तो cos पाई हो गया, cos पाई इज माइनस 1 माइनस cos 0, cos 0 भी 1, तो दिस बिकम्स दिस इज 1 और ये कितना हो जाएगा प्लस a बाय 4 एंड माइनस 2 है तो हो जाएगा प्लस b। ठीक है, ठीक है, तो दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल्ड, a की वैल्यू क्या आ गई a बाय 4 इक्वल्स टू माइनस 1, तो a कितना आ गया माइनस का 4, a अगर माइनस 4 आ गया तो पहली इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बनी हुई थी 2a माइनस बी पाई, 2a माइनस बी पाई इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 4, 2 पाई माइनस 4, तो a की वैल्यू अगर हम माइनस 4 रख दें तो क्या हो जाएगा माइनस 8 माइनस बी पाई इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 4, तो b पाई की वैल्यू क्या हो गई माइनस 8 प्लस 4 माइनस 2 पाई, तो b पाई की वैल्यू हो गई माइनस 4 माइनस 2 पाई, तो b की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ 2 कॉमन 2 प्लस पाई अपॉन पाई। सो a भी हमें मिल गया एंड b भी हमें मिल गया, तो हमारा जो fx फंक्शन था वो क्या था, fx वाज x प्लस a साइन x प्लस b कॉस x, तो x प्लस a की जगह क्या रख दे माइनस 4, तो माइनस 4 साइन x और b की जगह क्या रख दें माइनस 2 अपॉन पाई 2 प्लस पाई कॉस x, तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, ये आ गया हमारा फंक्शन। तो ये ऑब्वियसली मेंस के लिए तो नहीं है क्वेश्चंस, ये ऑब्वियसली मेंस में नहीं आ सकते क्योंकि बहुत लेंदी है और लंबा प्रोसीजर है इसका, तो पर आई गेस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं। Now let's take another example on this. Let's say we have the second example, fx is equal to x square plus 0 to x e raised to power minus t f x minus t dt.
एंड वी हैव टू फाइंड द फंक्शन एफ एक्स। तो ऑब्वियसली अगेन देखिए किस कैटेगरी का क्वेश्चन है कि हमें एक फंक्शन निकालना है और वो किस फॉर्म में दिया है, एक इंटीग्रल एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया है जिसमें इंटीग्रेशन के अंदर वो खुद है फंक्शन, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, तो इसमें अब क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम क्या था कि हम अपना इंटीग्रेटिंग वेरिएबल चेक करें, तो वो टी है। तो अगर कहीं हमें एक्स दिख, मतलब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल के अलावा कोई वेरिएबल दिख रहा है तो उसको बाहर करें इंटीग्रल के, ठीक है। तो पहले तो हम यहां इसमें क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रल में हम क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो टू एक्स ई रेस्ट पा माइनस टी की जगह एक्स माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि जीरो प्लस एक्स इज एक्स, एक्स माइनस टी रख दिया, एंड एफ एक्स माइनस टी डी टी, कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे ए क्या है, जीरो है, और b क्या है, x है, तो 0 प्लस x क्या होगा, x, x माइनस टी रख देंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू x e रेस्ट पावर माइनस x इंटू e रेस्ट पावर t, ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा, x x चला गया एफ टी डी टी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एंड प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स बाहर, क्योंकि ई रेस्ट पावर माइनस एक्स में जो वेरिएबल एक्स है वो हमारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल नहीं है, तो वो तो कांस्टेंट हो गया। तो जीरो टू एक्स ई रेस्ट पावर टी एफ टी डी टी। ऑब्वियसली अब जब इस इंटीग्रल को हम इवेल्युएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टी और एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कॉन्स्टेंट की तरह हो जाएगा ये, ठीक है। या इस केस में बल्कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे हमें कांस्टेंट लिमिट्स नहीं दी हैं, ये तो हमारे एक्स के टर्म्स में आएगा जो भी आएगा। तो एफ एक्स, अगर हमें एफ एक्स निकालना है तो इस इंटीग्रल को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में प्रॉब्लम ये है कि जीरो से जो एक्स है हमारी लिमिट वो कॉन्स्टेंट नहीं होती, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं देगा, ये एक्स के टर्म्स में ही देगा। तो अब हमें यहां पर सोचना पड़ेगा कि ये अपने इंटीग्रल को, इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन है उसको बाहर कैसे निकालें। तो उसके लिए ध्यान करिए, हम लोग ने लाइबनिट्ज़ रूल पढ़ा था जिसमें हम इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन कर देते थे, तो वही चीज हम अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग लाइबनिट्ज़ रूल, अप्लाइंग लाइबनिट्ज़ रूल। तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करें एफ डैश एक्स और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, क्योंकि जब इंटीग्रल करेंगे वो तो टी के टर्म्स में आएगा, लेकिन लिमिट रखेंगे एक्स तो ये फंक्शन ऑफ एक्स ही आएगा, और ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो यहां क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले ई की पावर माइनस एक्स का किया तो क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन इंटू जीरो टू एक्स ई की पावर टी एफ टी डी टी, एंड सेकेंड टाइम होगा ई की पावर माइनस एक्स बाहर, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, उसमें लाइबनिट्ज़ रूल में ये क्या रूल था कि जो अपर लिमिट है वो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की जगह रखें, तो क्या होगा, e की पावर x एफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द अपर लिमिट, तो वन हो गई, और नीचे है कॉन्स्टेंट जीरो, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो हम लिमिट रख भी दें फंक्शन में लेकिन फाइनल डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होगा, तो वो जीरो आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू इंटीग्रल जीरो टू एक्स ई की पावर टी एफ टी डी टी, एंड ये क्या हो जाएगा, प्लस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो वन हो गया, यानी एफ एक्स, ठीक है। अब अगर ध्यान से हम लोग देखें, ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो चीज है हमारी, यहां पे
ये हम लोग ने इसका डिफरेंशिएशन तो करा ही नहीं, दिस वुड बी 2x, ठीक है। बस अब इसमें क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह हम यहां से यूज कर लें, ठीक है, हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 2x, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स। तो हमारा क्या सोल्यूशन आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स। एफ एक्स से एफ एक्स चला गया एंड वी आर लेफ्ट विद एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये तो हमारी एक तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में क्या हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रल तो एफ एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस c, ठीक है। अब हमें बस c निकालना है, तो c के लिए हम क्या करें, अगर x को हम 0 रख दें, अगर हम x को 0 रख दें अपने ओरिजिनल फंक्शन में, यहाँ पे लेट से यहाँ 0 रख दें, तो यहाँ पे अगर 0 आएगा तो 0 टू 0 तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो गई, और x को 0 रखा तो 0 का स्क्वायर इज 0, तो एफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई, एफ जीरो वुड बी 0। ये इंफॉर्मेशन हम यूज कर लें, तो एफ जीरो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस c, और एफ जीरो 0 है तो c की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो देयरफॉर एफ एक्स फाइनली क्या आया एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये फंक्शन है जो हमने निकाला है आफ्टर सॉल्विंग ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू एक्स ई की पावर माइनस टी एफ एक्स माइनस टी डी टी। इस ये क्वेश्चंस में क्या है, फिर से मैं रिट्रेट कर रहा हूँ कि फंक्शन हमें निकालना है और वो फंक्शन हमारा इंटीग्रल एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने, क्योंकि लिमिट्स हमारी कॉन्स्टेंट थी तो वो हमारे लिए जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल अपार्ट फ्रॉम जो x है उसको इंटीग्रेट किया तो क्या आया था, कॉन्स्टेंट आया था, तो उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल ली थी। यहाँ पे क्या हुआ, हमारी लिमिट 0 टू x है, मतलब हमारे फंक्शन के टर्म्स में ही है, तो इसमें हम वो कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर पाए, तो फिर हमने क्या यूज किया, लाइबनिट्स रूल यूज कर लिया, ठीक है। Now let's take the next question. Let's say we have fx is equal to integral 0 to x fx or rather dx upon fx and 0 to 1 dx upon fx is given to be root 3. And we have to find fx, ठीक है। अब पहली चीज तो सब लोग कंफ्यूज ये हो रहे होंगे कि यहां भी x लिखा है यहां भी x लिखा है, तो ये हम लोग बात कर चुके हैं कि ये हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल होता है, ये हमारा इंटरनल वेरिएबल होता है, तो ये तो डमी वेरिएबल है, इसको तो हम क्या है 0 टू x है, x की जगह क्या लिख दें dt, डमी वेरिएबल की तरह ft dt, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। पर अब क्वेश्चन का फॉर्म चेक करिए कि हमें एफ एक्स निकालना है और एफ एक्स फंक्शन हमारा इंटीग्रल के अंदर भी है, ठीक है। तो अगर हम ये जो गिवन है हमें, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, देखिए स्ट्रक्चर वही है dx अपॉन एफ एक्स, यहां भी dt अपॉन ft, मतलब अगर हम x की जगह 1 डालें तो क्या होगी ये लिमिट 0 टू 1 dt ft, यानी इसकी वैल्यू क्या दे रखी है रूट 3, यानी देयरफॉर हमें एक इंफॉर्मेशन ये मिली कि f1 क्या है रूट 3 है। ये हम कब यूज करेंगे कि बाय चांस हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहीं आएगा तो फिर हम ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। नाउ फिर वही कॉन्सेप्ट, fx की जगह क्या लिखा है 0 टू x dt अपॉन ft, फंक्शन हमारा इंटीग्रेशन के अंदर फंसा हुआ है तो उसको हमें बाहर निकालना है, तो क्या करें लाइबनिट्स रूल लगा दें, लाइबनिट्स रूल अप्लाइंग लाइबनिट्स रूल, तो क्या होगा डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स, अपर लिमिट को रखेंगे फंक्शन में तो क्या होगा 1 अपॉन एफ एक्स, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्या होगा x का 1, और नीचे कांस्टेंट है, कांस्टेंट रखने पे क्या होगा एफ 0, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ 0 0 होगा इसलिए 0 ही हो जाएगा,
therefore we have f dash x is equal to 1 upon fx. ये तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, f dash x into fx is equal to 1. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, f x का होल स्क्वायर, y is equal to fx होता है, तो क्या रहता है dy by dx. अगर y is equal to fx हम फंक्शन माने तो dy by dx क्या होगा, f dash x होगा. तो ये फॉर्म हमें क्या दे रखा है, f dash x की जगह क्या लिखेंगे, dy by dx, और rather अभी इंटीग्रल नहीं, हमको क्या फॉर्म दिया, dy by dx is equal to 1 upon y. ये क्या हो जाएगा, dy into y is equal to dx, और इंटीग्रेट कर दिया, वही चीज हमने लिखी है यहाँ पे. तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, y square by 2 is equal to x plus c. तो यहाँ पे y की जगह fx लिख दिया, fx का square is equal to x plus c. fx क्या हो गया, under root of x plus c. अब c कैसे निकलेगा, c के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज कर ले, ठीक है. तो ठीक है, यूज कर सकते हैं. तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे बाय 2 भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2c, ठीक है. ठीक है, तो f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू है रूट 3. तो रखेंगे तो क्या होगा, f1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस 2c. तो दिस विल गिव f1 रूट 3, स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2c. तो 2c विल बी इक्वल टू 1, c कितना आ गया, हाफ. तो यानी fx फंक्शन हमारा क्या आ गया, fx इज अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 2c. 2c की वैल्यू क्या है, 1. तो देखो दिस इज योर फंक्शन. तो आपका ये फंक्शन fx क्या हो गया, रूट टू एक्स प्लस 1. आई होप आपको समझ में आया. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. ठीक है, वी आर गिवन दैट लेट्स से fx रेज टू पावर 2005 is equal to 0 to x, ft raised to power 2004 dt upon 1 plus t square, and we have to find fx function. ठीक है, अगेन वही कॉन्सेप्ट कि हमारा फंक्शन जो है इंटीग्रल एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे रखा है. मतलब एफ टी देखिए यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर दे रखा है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा जब तक ये, या तो हम इंटीग्रल ये इवैल्यूएट करें, वो कब होगा, जब एफ टी फंक्शन पता हो, और एफ टी फंक्शन ही निकालना है, एफ टी बोले या एफ एक्स बोले बात देखिए. तो बेसिकली इनमें क्या होगा, अगर हमारी लिमिट्स कॉन्स्टेंट होती तो हमने क्या पढ़ा था पहले एग्जाम्पल में, कि अगर लिमिट्स कॉन्स्टेंट है तो हम अपने इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को छोड़ के सारे वेरिएबल को बाहर करेंगे, और इंटीग्रल पार्ट को कांस्टेंट वैल्यू आएगी क्योंकि लिमिट्स कांस्टेंट है. तो उनको ए बी मान के फिर ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, फंक्शन निकाल लेंगे. इन केसेस में क्या हो रहा है कि हमारी लिमिट्स कांस्टेंट है ही नहीं, तो इन केसेस में हम लोग जनरली क्या यूज कर रहे हैं, लाइबनिट्स रूल यूज कर रहे हैं. यहाँ भी हम क्या करेंगे, लाइबनिट्स रूल ही यूज करेंगे, क्योंकि जीरो टू एक्स है, कॉन्स्टेंट लिमिट्स तो है नहीं, और फंक्शन को हमें इंटीग्रल से बाहर निकालना है. तो अप्लाइंग लाइबनिट्स रूल, अप्लाइंग लाइबनिट्स रूल, तो क्या होगा, 2005 fx रेज टू पार 2004 इज इक्वल टू, x को फंक्शन में रखेंगे तो क्या होगा, fx रेज टू पार 2004 अपॉन 1 प्लस x square into differentiation of x क्या होगा, 1. 0 रखने पे 0 का differentiation 0 होगा, इसलिए उसको ले नहीं रहा. तो अगर हम इसको लेफ्ट साइड ले जाएं तो fx raised to power 2004 कॉमन आ गया 2005, एंड यहाँ पे f dash x भी आएगा. तो 2005 f dash x is equal to, और rather minus 1 upon 1 plus x square.
इज जीरो, तो या तो ये फंक्शन जीरो यानी एफ एक्स जीरो है, और एफ डैश एक्स इंटू 2005 इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, जैसे पहले बात की y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। यू कैन ऑल्सो राइट एफ डैश एक्स इज वॉट dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इंटू 2005। अगर एफ डैश एक्स से समझ में नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं, तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो 2005 इंटू डी वाई इज डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, हो गया 2005 इंटू वाई इज इक्वल टू, ये तो टैन इनवर्स एक्स हो गया प्लस सी। ठीक, तो वाई क्या था, एफ एक्स था, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 2005 इंटू टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। बस अब हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने पहले किया, एक्स को अगर हम इस ओरिजिनल फंक्शन में एक्स को वन दे दें तो क्या होगा, एफ वन रेज टू पावर 2005 इज इक्वल टू, और राधा जीरो दे दें। जीरो क्यों दे दें, क्योंकि फिर हम, क्योंकि इंटीग्रल की वैल्यू तो हम निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन जीरो देने से क्या होगा, दोनों लिमिट्स अपर लोअर लिमिट सेम हो गई, मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या होगा, सेम वैल्यू देगा, मतलब जीरो आ जाएगी। तो ये क्या आ गया, एफ जीरो यानी क्या आ गया, जीरो आ गया। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर लेंगे, तो एफ जीरो क्या हो गया, वन अपॉन 2005 टैन इनवर्स जीरो प्लस सी, और इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, तो टैन इनवर्स जीरो तो जीरो होता है, यानी सी क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। तो एफ एक्स क्या हो गया, सिंपली फंक्शन 1 अपॉन 2005 टैन इनवर्स एक्स। इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ, इस क्वेश्चन में भी हमने लाइबनिट्ज़ रूल लगाया। लाइबनिट्ज़ रूल जनरली आप तब लगा रहे हैं जब आपकी लिमिट्स कांस्टेंट नहीं है। लिमिट्स अगर कांस्टेंट है तो फिर वही रूल, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को छोड़ के बाकी वेरिएबल बाहर, और जो इंटीग्रेशन उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी उसको आप कांस्टेंट्स मान लीजिए ए और बी, और फिर उन ए और बी को आप निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पर अगर लिमिट्स कांस्टेंट नहीं है तो फिर लाइबनिट्ज रूल से हम सॉल्व करेंगे, इसमें फिर डिफरेंशियल इक्वेशन भी लगेंगी। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। तो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो टू वन एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई एफ वाई डी वाई। ठीक है, वी हैव टू फाइंड एफ एक्स। अब इस क्वेश्चन में फिर देखिए लिमिट्स हमारी क्या हो गई हैं, कांस्टेंट हो गई। तो जब जब हमारी लिमिट्स कांस्टेंट है, और फॉर्म देखिए आपका जो फंक्शन निकालना है एफ एक्स वो इंटीग्रल के अंदर है, तो इंटीग्रल एक्सप्रेशन के फॉर्म में फंक्शन दिया है। ठीक है, तो जब हमारी लिमिट्स कांस्टेंट होंगी तो हमारा क्या होगा, रूल क्या था कि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को छोड़ के बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हो गए, उनको बाहर करके जो इंटीग्रल पार्ट है वो कांस्टेंट वैल्यू देगा, उनको हम कांस्टेंट्स मान लेंगे, फिर कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन दिस केस क्या करें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ पे एक्स हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो अलग अलग कर लें, एक्स जीरो टू वन वाई स्क्वायर एफ वाई डी वाई माइनस जीरो टू वन एक्स स्क्वायर बाहर हो गया इस वाले पार्ट में वाई एफ वाई डी वाई। ऑब्वियसली ये पूरा इंटीग्रल क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा, क्योंकि जीरो से वन जब हम लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ये इंटीग्रल भी क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाद जब लिमिट्स रखेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो हमने वो कांस्टेंट्स मान लिए ए और बी। तो एफ एक्स फंक्शन का फॉर्म क्या हुआ, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो यानी जैसे ही हम ए और बी फंक्शन कांस्टेंट्स ज्यादा निकाल लेंगे हमें फंक्शन पता लग जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है जीरो टू वन वाई स्क्वायर इंटू एफ वाई। अब जो एफ वाई है वो क्या होगा, एफ एक्स की तरह है, बस एक्स फंक्शन में क्या रख दें, वाई रख दें। तो क्या होगा, वाई प्लस ए वाई माइनस बी वाई स्क्वायर।
वो वैल्यू हमने यहाँ रख दी, y प्लस ए वाई माइनस बी वाई स्क्वायर डी वाई। इसे हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, हो गया वाई क्यूब प्लस ए वाई क्यूब माइनस बी रेस टू पावर बी वाई रेस टू पावर फोर डी वाई। इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, वाई रेस टू पावर फोर बाय फोर प्लस ए वाई रेस टू पावर फोर बाय फोर माइनस बी वाई रेस टू पावर फाइव बाय फाइव फ्रॉम जीरो टू वन। जब वन रखेंगे तो क्या होगा, वन बाय फोर ए बाय फोर माइनस बी बाय फाइव, जीरो रखने पे जीरो ही आएगा, तो ये ए की वैल्यू आई। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बाय फोर लेफ्ट साइड ले जाएं तो थ्री ए बाय फोर इज इक्वल टू वन बाय फोर माइनस बी बाय फाइव, बी बाय फाइव को भी लेफ्ट साइड ले जाएं तो क्या होगा, थ्री ए बाय फोर प्लस बी बाय फाइव इक्वल्स टू वन बाय फोर। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, फिफ्टीन ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू फाइव, फाइव फोर था ट्वेंटी, राइट साइड जाएगा तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, b हमारा क्या है, जीरो टू वन y इंटू एफ वाई, और एफ वाई क्या है, y प्लस ए वाई माइनस बी वाई स्क्वायर डी वाई। मल्टीप्लाई करें और सिंपली इंटीग्रेट कर दें, जीरो टू वन वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई क्यूब डी वाई। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर का हो गया वाई क्यूब बाई थ्री प्लस ए वाई क्यूब बाई थ्री माइनस बी वाई रेस टू पावर फोर बाय फोर फ्रॉम जीरो टू वन। तो जब वन रखेंगे तो क्या आएगा, वन बाई थ्री प्लस ए बाई थ्री माइनस बी बाय फोर, और ये किसकी वैल्यू है, बी की, जीरो रखने पे जीरो ही आएगा। तो बी बाय फोर को लेफ्ट साइड लेगा तो बी प्लस बी बाय फोर इज फाइव बी बाय फोर माइनस ए बाय थ्री इज इक्वल टू वन बाय थ्री। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का फोर ए प्लस का फिफ्टीन बी अपॉन ट्वेल्व, ट्वेल्व उधर गया तो आ गया फोर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो बस इन दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, ए और बी आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू फाइव, और यहाँ पे माइनस फोर ए प्लस फिफ्टीन बी इज इक्वल टू फोर। तो इसको हमने फिफ्टीन से कर दिया, इसको हमने फोर से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट कर देंगे ए को, तो सिक्सटी ए प्लस सिक्सटीन बी इक्वल्स टू ट्वेंटी, और माइनस सिक्सटी ए प्लस फिफ्टीन फिफ्टीन ज़ा टू ट्वेंटी फाइव बी इज इक्वल टू फिफ्टीन फोर ज़ा सिक्सटी, ऐड कर दें ये हो गया टू फोर्टी वन बी इक्वल्स टू एट्टी। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, एट्टी अपॉन टू फोर्टी वन। ठीक है, ये बी की वैल्यू हम कहीं भी रख दें किसी भी एक इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, लेट्स से हमने पहली वाली में रख दिया तो फिफ्टीन ए एंड फोर इंटू एट इज थ्री ट्वेंटी अपॉन टू फोर्टी वन इक्वल्स टू फाइव। तो फिफ्टीन ए इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री ट्वेंटी अपॉन टू फोर्टी वन, ये कितना आ जाएगा, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, फाइव टू ज़ा टेन एंड टू ट्वेल्व माइनस थ्री ट्वेंटी फाइव एट एट। देयरफॉर वैल्यू क्या आई, फिफ्टीन ए इज इक्वल टू 885 अपॉन 241। ठीक है, तो 5 थ्री ज़ा 5 वन ज़ा 5, 5 सेवन ज़ा 35, 5 सेवन ज़ा 35, 3 वन ज़ा 3 फाइव ज़ा 15, 3 नाइन ज़ा 27। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 59 अपॉन 241। तो देयरफॉर फाइनली हमारा एफ एक्स फंक्शन क्या था, x प्लस x इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी, राधर माइनस था। चेक कर लेते हैं, फंक्शन हमारा क्या था, माइनस ए प्लस ए एक्स प्लस, तो x की वैल्यू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आई है 59 बाय 241 x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 80 अपॉन 241। इसको सिंप्लीफाई कर दें, 241 प्लस 59 कितना हो गया, 300, 300x माइनस 80x स्क्वायर अपॉन 241। fx फंक्शन हमारा क्या आ गया, ये फंक्शन हमारा आ गया। ठीक है,
तो इसमें हमारा क्या कॉन्सेप्ट था कि हमने अगर लिमिट्स हमारी कॉन्स्टेंट्स हैं तो हम अपने इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को छोड़ के बाकी वेरिएबल्स को बाहर करेंगे इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रल की वैल्यू ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट आएगी क्योंकि कॉन्स्टेंट लिमिट्स है, उनको कॉन्स्टेंट्स को मान लेंगे और उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हम निकाल देंगे। और अगर हमारे कॉन्स्टेंट लिमिट्स नहीं है तो फिर हम लाइबनिट्स रूल कर फॉलो करेंगे।